नमस्कार, आज हम बनाएंगे स्पेशल राजमा रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आइए हमारा ये राजमा रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट दीजिएगा। मैंने यहाँ 1 कप राजमा को अच्छी तरह से धो के साफ करके इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब राजमा को प्रेशर में 4 से 5 सीटी देके इसे बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ राजमा को प्रेशर में डाल दिया है। अब इसमें हम 1 कप पानी देंगे, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें हम देंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा देने से अच्छी तरह से पक जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अब इसे सीटी के लिए हम छोड़ देते हैं। अब 4 से 5 सीटी के बाद अब देखते हैं राजमा कैसे बॉईल हो गई है, अच्छी तरह से पक गई है या नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। मैंने यहाँ कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल अब गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तेल में चिल्ली पाउडर डालने से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ प्याज को बारीकी से काट ली है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पकाएंगे। अब प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुके है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम 1 या 2 मिनट तक पकाएंगे मसालों को। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटो प्यूरी। मसालों को 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मसालों में जब तेल छूटने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे राजमा। अब इसमें हम राजमा डालेंगे और इसे 1 या 2 मिनट तक मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके चलाएंगे इसे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक देंगे और इसमें हम देंगे अब 1 कप पानी। और पानी देके इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब 3 मिनट के बाद हमारा राजमा अब बिल्कुल रेडी है। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच और कटा हुआ हरे धनिया का पत्ता। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आप इसे चावल, रोटी, पराठा सबके साथ खा सकते हैं।